कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को तिकोनिया स्थित उच्च निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यहां पहुंचते ही उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधी जानकारी मांगी तो कर्मचारी बगले झांकने लगे। वहीं कार्यालय में लगी बायोमेट्रिक मशीन के खराब होने पर आयुक्त रावत बिफर पड़े और जल्द ही सही करवाने को कहा। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि विभाग की ओर से नए संयोजन को लेकर जो आवेदन किए गए थे उसे 15 दिन के भीतर रिपोर्ट करते हुए संयोजन दिए जाने चाहिए थे, मगर इसमें विभाग की ओर से लापरवाही बरती गई और जून से लेकर अगस्त तक 148 आवेदन लंबित नजर आए। आयुक्त ने जल्द जांच कर आवंटन करने को कहा। विभाग की ओर से 13 बीघा सब स्टेशन पर सबसे ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई है और करीब 2 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर उन्होंने विभागीय विजिलेंस से जाँच कर कार्रवाई करने को कहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे इधर नहीं कर रहे हो, नहीं आ रहा है।